भाइयों, एक अपनी इबादत ठीक करो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक अपने अखलाक ठीक करो। अगर तुम मुसलमानों वाले अखलाक अपना के इस मुल्क में रहो तो इस्लाम की हवाएं चल जाए, लोगों के लिए खैर बनो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ सबसे बेहतरीन मैं हूं। तो आपने क्या कहा? तहज्जुद पढ़, रोजे रख, नफल पढ़, सदके कर, खैरात कर, हज कर, उम्रे कर। आपने फरमाया, लोगों की खिदमत कर, तू सबसे बेहतरीन इंसान। अच्छे अखलाक। एक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं मेरा ईमान कामिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो आपने फरमाया, तो अपने अखलाक अच्छे कर, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। तो भाइयों, नमाज रोजे वाले तो बहुत से मिल जाते, दाढ़ी पगड़ी वाले भी बहुत से मिल जाते हैं, अखलाक वाले कोई नहीं मिलते। माफ करने वालों से दुनिया खाली होगी, दरगुजर करने वालों से दुनिया खाली होगी। बीवी को गुस्सा चढ़ जाए तो खामिंद पे चढ़ाई है, खामिंद को गुस्सा चढ़ जाए तो बीवी पे चढ़ाई है, औलाद को गुस्सा चढ़ जाए तो माँ बाप की गुस्साखी है, माँ बाप को गुस्सा चढ़ जाए तो औलाद की ठुकाई है, पिटाई है। ये नहीं देखते कि ये तरबियत का तकाजा है या नहीं है। भाई भाई से तुम्हारा क्या रोना रो। मेरे सामने हमारे इलाके में ये दो भाई दीवारें साथ है, एक मर गया, दूसरे का मुझे पता चला उसके जनाजे में नहीं जा रहा। मैंने उसको, उसके बेटे को बुलाया, मैंने कहा मरने के बाद तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं, चले जाओ। कहने जी साड़ी बनी नहीं, सारी जिंदगी हूं की बना। और मैंने कहा अब तो वो खत्म हो गया है, जिस जिन बातों पर तुम लड़ते थे वो बातें खत्म हो गई। अपनी माँ का दूध ही याद कर लो। यकीन, मैं मेरा सिर्फ पड़ोसी था, मैंने उसके पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, नहीं गया जनाजा। ऐसों से जहान भरा पड़ा। हमारे अखलाक क्या हैं? जो सलाम करे उसे सलाम करो, जो ना करे ना करो, ये हमारे अखलाक। जो मुस्कुराए उसके सामने मुस्कुराओ, जो आंखें दिखाए उसको वट्टा दिखाओ, ये हमारे अखलाक। आपने इरशाद फरमाया, सारी जिंदगी के तहज्जुद गुजार और सारे दिन के रोजेदार से आगे निकल जाएगा अच्छे अखलाक वाला। चूंकि ये मार्केट में सौदा है नहीं। और सारे अखलाक का निचोड़ एक चीज बताता हूं, ये जबान काबू में रखो, सारे अखलाक काबू में आ जाएंगे। मुजफ्फराबाद कश्मीर में हमारी जमात थी तो वकला का वफद आया मिलने, मैंने आधा पौना घंटा बात की तो फिर एक वकील साहब कहने लगे, जी एक नसीहत कर दें, आपकी बहुत सारी नसीहतें सुनी हैं, एक नसीहत कर दें। तो मैंने, अब मुझे देखो, मैंने कहा ये जबान काबू में, कहा ना ना ना, कोई और बताएं, कोई और बताएं, कोई और बताएं। अगर आप अपनी जबान पे काबू पा लो, गुस्से के वक्त भी, खुशी के वक्त भी, इसमें से तोल के लफ्ज निकालो तो आपसे बड़ा मकाम वाला कोई नहीं होगा। तहज्जुद नमाज रोजों से कोई आपको नहीं पकड़ सकता, हज उम्रों से आप नहीं पकड़े जाओगे। सईद अनवर और यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ जब मुसलमान हुआ तो ये दोनों मेरे पास आए तो कहने लगे, सारा जोर लग गया क्रिकेट पर तो कोई जन्नत का शॉर्टकट बताओ, जोर उधर लग गया। तो मैंने कहा अपने अखलाक ठीक कर लो। उस पर थोड़ी सी बात की, कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत मुश्किल काम। मैंने शॉर्टकट तो फिर यही है, जिस आपको जिस रोड पे रश होता है तो आप गाड़ी मोड़ लेते हो कि नहीं मोड़ लेते? अब वो पहले को कंप्यूटर भी बता देता है उधर ना जाओ, उधर ट्रैफिक ब्लॉक है। तो आप खाली रोड जब होती है तो आप गाड़ी भगाते हो, रास्ता खुला है भगाओ जितनी भगा सकते हो। तो मैं ये मिसाल दिया करता हूं कि नमाज के रोड पर भी बहुत लाइन है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। रोजे का रोड भी भरा हुआ है, हज का रोड भी भरा हुआ है, उम्रे का रोड भी भरा हुआ है, इलम का रोड भी भरा हुआ, लिखने पढ़ने के रोड भी भरे पड़े हैं, और दरसे कुरान, दरसे हदीस के रोड भी भरे पड़े हैं। अखलाक वाला रोड ही खाली, बंदा ही कोई ना, कोई मर्द ना कोई औरत। तुम्हारी सुजुकी भी होगी तो मर्सिडीज से आगे निकलेगी, क्योंकि वो तो खड़ी हुई है, तुम्हारी जा रही है, खुदा के सहारे चली जा रही है।
ना ड्राइवर की खूबी ना इंजन का कमाल, हमारे जो पुरानी बसें होती ना उसके पीछे लिखा होता है ना इंजन की खूबी ना ड्राइवर का कमाल, बस खुदा के सहारे चली जाए। तो मेरे रब की कसम, तुम ये मर्द औरत अपने अखलाक अच्छे कर लो, तुम्हें पकड़ कोई नहीं सकता।